इस वीडियो में हम बात करेंगे जाबिर इब्न हयान और गैबर के बारे में। फर्स्ट तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन। ये कूफा के कबीले बनी असद से ताल्लुक़ रखते थे और ये खुरासान में पैदा हुए। 8th century AD के ये एक मशहूर अतिबा हैं और ये फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। मगरिब में इनको गैबर के नाम से जाना गया है। ये इल्म तिब का भी इल्म रखते थे लेकिन इल्म कीमिया इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसके वजह से ये बहुत ही मशहूर हुए। फजल व कमाल मीन्स परफेक्शन। इन्होंने डिजोल्यूशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, कैल्किनेशन एंड सब्लिमेशन के प्रोसेसेस के बारे में बताया। सल्फाइड, लेड कार्बोनेट, आर्सेनिक एंड सुरमा हासिल करने के तरीकों के बारे में बताया। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड से मुतालिक अहम मालूमात इन्होंने हमें दी और डिस्टिलेशन अपैरेटस को बनाने के बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के लॉज भी दिए हैं एंड काफ़ी सारे ऐसे लॉज भी दिए हैं जिनको आज मॉडर्न केमिस्ट्री फॉलो करती है, और इन्होंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट भी किया है। जाबिर बहैसियत मुसन्निफ़। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अहम किताबें लिखी हैं, जैसे किताबुल कीमिया, किताबुल जौहरा, किताबुल रूम, और इन्होंने अपनी किताबों में लोहे को जंग से बचाना, चमड़े को कलर देना, ग्लास को कलर देना, मेटल से कंपाउंड बनाना और आयरन को कलर करना वगैरह वगैरह अहम तरीकों के बारे में बताया है। और इन्होंने ट्रांसलेटर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं, और जो भी किताबें केमिस्ट्री की यूनानी ज़बान में थी इन्होंने उसे अरबी ज़बान में ट्रांसलेट भी किया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।